नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करेंगे कंपनी के बारे में। कंपनी की डिफिनेशंस को बताएंगे, कंपनी के कैरेक्टर को बताएंगे। आपको ध्यान देना है, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो सभी टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझना है। जो लिखना है उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर टॉपिक ऐड कर दूंगा, उसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख पाएंगे। आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कंपनी के बारे में। अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लीजिए कंपनी। अपनी कॉपी में आप लिखेंगे कंपनी। आपको समझना है कंपनी के बारे में, कंपनी आई कहां से। कंपनी के पहले क्या होता था? कंपनी के पहले सोल ट्रेडिंग, एकाकी व्यापार। जब कोई व्यक्ति अकेले कोई बिजनेस करे तो उस बिजनेस की जो लिमिटेशन होती है काफ़ी लिमिटेड होती है, काफ़ी लिमिट काम कर सकता है। उसके पास जो अमाउंट होता है वो बहुत लिमिटेड होती है, तो उसका एक अपना एरिया होता है, उस एरिए के अंदर वो अपना बिजनेस करती है। लेकिन चलिए ठीक है, अब कहेंगे सर जी आप आइए पार्टनरशिप पर, पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनरशिप की भी अपनी एक लिमिटेशन है, लिमिटेड है, उसका अपना एक दायरा है, उसके पास अपनी एक बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जहाँ कोई काम पार्टनरशिप में होता है वहाँ पर खींचातानी होती है, कोई अपनी ओर लेकर भागता है, कोई अपनी ओर लेकर भागता है, तो हम कहाँ बढ़ते हैं? तो कहते हैं आएंगे कंपनी पर। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब होता है बृहद पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, एक एरिया से उठ करके इसमें हम जाते हैं दूसरे एरिया में, एक स्टेट से उठ करके हम दूसरे स्टेट में अपना काम कर सकते हैं, एक कंट्री से लेकर के दूसरी तीसरी चौथी कंट्री तक आप अपना काम कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में आप काम कर सकते हैं। तो कंपनी होती क्या है? कंपनी के लिए तमाम डिफिनेशंस हैं, तमाम लॉजिक्स हैं, लेकिन जो कंपनी एक्ट में कहा गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जो जो कहा गया है उसको मैं पढ़ देता हूँ, उसको मैं समझा देता हूँ, ताकि आप अपने पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने पेपर में आप लिख पाएं। तो कंपनी एक्ट जो चल रहा है इस समय, जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2013 कंपनी एक्ट चल रहा है। डिफिनीशन ऑफ अ कंपनी आपके सामने टॉपिक है, मैं इसको अच्छे से पढ़ करके समझाता हूँ। आप यदि चाहेंगे तो अपनी कॉपी में लिखने का काम करेंगे। कहा गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, देखो सेक्शन 2 ब्रैकेट के अंदर 20 लिखा है, इसका मतलब होता है सब सेक्शन। द ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ मींस एग्जिस्टिंग कंपनी। इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी उसे कहते हैं जो इस समय हमारा कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है उसमें जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, या अभी तो 2013 चल रहा है, हो सकता है बाद में दूसरा कोई आ जाए, लेकिन 2013 के पहले 1956 चलता था भारतीय कंपनी एक्ट, इंडियन कंपनी एक्ट 1956 चलता था, अब हमारा 2013 चल रहा है।
जब हमारा 2013 चल रहा है, तो इसमें जिस बिजनेस का, जिस कंपनी का क्या हुआ हो, इनकॉर्पोरेट हो, रजिस्टर्ड हो, या किसी प्रीवियस में, या प्रीवियस के पहले किसी अन्य में, उसे हम कंपनी कहते हैं। कंपनी क्या होती है, समझिए, जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, इनकॉर्पोरेट हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। लेकिन देखिए, डिफिनेशन तो दे दी गई है, लेकिन ज़्यादा अच्छे से इसमें आपको नहीं समझ में आएगा। यही तो है, इसमें यही तो कहा गया है, कंपनी के बारे में थोड़ी कुछ बताया गया। कहा गया है जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो 2013 या किसी अन्य एक्ट में, वही है कंपनी। आगे कहा है, द डिफिनेशन गिवेन फेल्स टू रिवल व्हाट अ कंपनी इज, व्हाट इट्स साइलेंट कैरेक्टर्स। और जो ये डिफिनेशन दी है मैंने, जब कंपनी एक्ट की जो डिफिनेशन दी गई है, इसको मैं फेल मानता हूँ, क्योंकि इसमें पूरी चीज़ों को नहीं बताया गया है, इसमें पूरे टॉपिक्स को नहीं बताया गया है। तो इसके लिए कहा गया है, इसमें जो कैरेक्टर हैं, जो कंपनी के अंदर की बातें होती हैं, वो सब छिपी हुई हैं इस बैलेंस, इसके अंतर्गत। उसके बाद आपको ध्यान देना है, द कंपनीज एक्ट डिफाइन अ कंपनी एज इफ वन डिफाइन हॉर्स अ हॉर्स लाइक एनिमल। तो आपको समझना है, कंपनी की जो डिफिनेशन दी गई है, इसमें डिफिनेशन के कैरेक्टर जो हैं वे साइलेंट हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बेहतरीन डिफिनेशन, ताकि आप अपने कॉपी में, अपने पेपर में लिखें। डिफिनेशन में ही थोड़ी काम बनेगा कि जो कंपनी एक्ट 2013 या 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, उसे हम लोग कंपनी कहेंगे। कंपनी के कैरेक्टर के बारे में बताया नहीं गया, कंपनी में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। तो इसके लिए आगे आपको कहते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने के अनुसार कहा गया है कि कंपनी जो होती है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल, मतलब होता है कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे बोलते हैं कृत्रिम। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, हिंदी में बोला जाएगा। विधान का मतलब होता है नियम कानून द्वारा जो बनाया जाए, उसे कहेंगे कंपनी। उसके बाद क्या कहा गया है, हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सजेशन एंड कॉमन सील। कंपनी विधान द्वारा यानी कि लॉ द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल व्यक्ति है। उसके बाद कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, हैविंग सेपरेट एंटिटी, कंपनी जो होती है सेपरेट का मतलब होता है अलग, ठीक है, विथ परपेचुअल सजेशन एंड कॉमन सील, किससे अलग होती है, अपने सदस्यों से अलग होती है। कंपनी लॉ द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल पर्सन होता है, हिंदी में कहेंगे कृत्रिम व्यक्ति होता है, जिसमें क्या बताया गया, जिसमें बताया गया है कि ये अपने जो इसके सदस्य होते हैं, उन सदस्यों से अलग होती है। इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, कॉमन सील को हिंदी में कहते हैं शार्ब मुद्रा। शार्ब मुद्रा का मतलब होता है मुहर। कंपनी कोई भी काम करेगी, उस पर मुहर लगेगी, उसके बाद उस पर जो रिप्रेजेंट करेगा, उस पर जो जिसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी सिग्नेचर होती है। बैंक में हम लोग पैसा निकालने जाते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं, तो क्या उसमें बैंक मैनेजर या कैशियर की सिग्नेचर होती है, होती है, क्योंकि उस पद पर वहाँ पर वो जिम्मेदार है। लेकिन वहाँ पर पहले मुहर लगाता है, तब सिग्नेचर होती है, चेक कर लीजिएगा। चाहे बिना मुहर के वो सिग्नेचर अकेले कहीं नहीं करेगा,
इसका मतलब क्या? कंपनी आर्टिफिशियल का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी अपनी जो अपने सदस्यों से अलग होती है। उसके सदस्यों का मतलब मैंने जैसे बैंक का एग्जांपल दे दिया तो बैंक के कर्मचारी नहीं होते, वो तो नौकर हैं, बैंक मैनेजर नौकर है। उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, थोड़ी देर के लिए मानिए अलग क्यों बोला गया है, जैसे हमारी कंपनी है आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, थोड़ी देर के लिए मानिए हमारे कंपनी में किसी एक्स नाम के व्यक्ति ने, किसी हर्ष नाम के व्यक्ति ने, किसी फौजी नाम के व्यक्ति ने शेयर लिया और बाहर जाकर के लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि कंपनी क्या है? कंपनी अलग है और कंपनी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो अलग हैं। समझिए, SBI क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है, इसमें लोगों का शेयर लगा हुआ है, लोग शेयर खरीदते हैं ना, शेयर लगा हुआ है। HDFC बैंक क्या है? कंपनी है। तो एक है जो शेयर होल्डर है, बाहर कहीं मारपीट कर ले, चोरी कर ले, झगड़ा कर ले, किसी का मर्डर कर दे, कुछ और कर दे, तो क्या कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज होगा? कंपनी के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होगा, वो अलग मामला अपना समझो। समझ रहे हैं? तो मैंने इसीलिए आपको बताया अलग है, क्यों अलग है, अलग होती है। कई लोन हो गया कंपनी के नाम से, कंपनी अलग होती है और इनका वो अपना पर्सनल होता है। आगे क्या कहा गया है, आगे आप देखिए, कह रहे हैं कि बीइंग मोर क्रिएशन ऑफ लॉ, सॉरी आगे क्या कहा गया है, इतने आपको लिखना है। दिस डिफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर हैने वेरी क्लियर, मतलब कि प्रोफेसर हैने ने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। आपको मैं कैरेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स आपको लिखवाना चाहता हूं, आपको लिखना पड़ेगा, मैं समझा, आपको अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी। हेडिंग आप डाल लीजिए कैरेक्टर ऑफ कंपनी, हिंदी में कंपनी की विशेषताएं, मैं बोर्ड में लिखकर बता रहा हूं। पहला, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, पहला कैरेक्टर में एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। जो कंपनी क्या है, कंपनी है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी किससे बनती है? लॉ के द्वारा, आर्टिफिशियल मतलब जो मानव द्वारा बनाया जाए। कंपनी बोलती नहीं है, कंपनी खाना नहीं खाती है, लेकिन कंपनी का सब अपना काम करती है, जो मनुष्य करता है वही कंपनी भी करती है, आर्टिफिशियल है। समझ में आया? सेकंड कहा गया है परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है अस्थाई अस्तित्व, अस्तित्व इसका मतलब क्या हुआ छोटू? अस्थाई का मतलब होता है कंपनी कभी मरती नहीं है, कंपनी के शेयर होल्डर मर जाएं, लेकिन कंपनी कभी मरती नहीं है। हमारी वीडियोस को आप यूट्यूब पर देखते होंगे तो यूट्यूब एक कंपनी है, यूट्यूब का मालिक कौन है आपको थोड़ी ना पता है, हो सकता है उसके CEO के बारे में पता हो ना। कंपनी के कितने शेयर होल्डर हैं थोड़ी आपको पता है, कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो मरते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का
मालिक कौन है? सरकार। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब कोई विशेष व्यक्ति थोड़ी ना होता है, पद है, आते रहेंगे जाते रहेंगे लोग, ये क्या है? अस्थाई अस्तित्व, कभी समाप्त नहीं होगी, कभी समाप्त नहीं होती है। अरे वो बात की बात है, कोई विघटन हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, घाटे में चली जाए, बंद हो जाए, कंपनी का जो अस्तित्व होता अस्थाई होता है। जो उसके कर्मचारी होंगे, उसके शेयर होल्डर होंगे, वो मरते रहें, जीते रहें, आते रहें, जाते रहें, निकलते रहें, तो यही तो है। यही अगर पार्टनरशिप होता तो गड़बड़ा जाता मामला, क्योंकि उसमें सब कुछ लिमिटेड है ना। नहीं, आप बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? कंपनी है, कंपनी अस्थाई है। उसके बाद आपको थर्ड ध्यान देना है, सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटी। इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व। किससे अलग? अपने कर्मचारियों से, सॉरी अपने शेयर होल्डर से अलग कंपनी होती है। इसका अपना एक अलग दायरा होता है। समझ में आया छोटू? ठीक है, अगला क्या लिखें? अलग स्वतंत्र, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है, लिमिटेड लाइबिलिटीज। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी शेयर होल्डर कंपनी में 10 रुपए का शेयर लिया है तो 10 रुपए के बराबर का जिम्मेदार होगा। उसकी एक अपनी एक लिमिट है, 10 रुपए के बराबर वो बोल सकता है, डिविडेंड ले सकता है, 10 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकता, उसके लिमिट है। लेकिन देखो, क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, साझेदारी में अनलिमिटेड है लायबिलिटी, घाटा हो गया ना, घर से पैसा लाना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, जितने का शेयर, 100 रुपए का शेयर लिया, 100 रुपए की लायबिलिटी। फिफ्थ नंबर है कॉमन सील। कॉमन सील को क्या कहेंगे? सार्व मुद्रा। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कॉमन सील क्या है। एक मुहर है, कंपनी कोई भी काम करेगी कंपनी की मुहर लगेगी और उसका जो रिप्रेजेंट करने वाला अधिकारी होगा उस पर सिग्नेचर मारेगा। समझ में आया? सिक्स नंबर आपको ध्यान देना है, कहा गया है हस्तांतरणीय ट्रांसफर। ट्रांसफर एबिलिटी, ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। हस्तांतरणीय का मतलब क्या होता है? शेयर के पैसे को, शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। आज हमारे पास है, कल हम दूसरे को दे सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं उसको, ट्रांसफर होता हो सकता है। उसके बाद आपको सेवंथ ध्यान देना है, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमो क्रिएटिव मैनेजमेंट, लोकतंत्रीय व्यवस्था। लोकतंत्रीय लिखा है, लोकतंत्रीय व्यवस्था, समझ में आया तो याद रखिएगा। लोकतंत्रीय मतलब क्या होता है? यहाँ पर कोई भी काम होगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, लोकतंत्र के नियम क्या कहते हैं? बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, चुनाव होगा, डायरेक्टर का चुनाव होगा। समझ रहे हैं? ऊपर लिखते हैं, नीचे समाप्त हो गया है जगह, ऊपर आइए। कह रहा है कंपनी इज नॉट सिटीजन। एट्थ नंबर, कंपनी इज नॉट सिटीजन। कंपनी क्या नहीं है? नागरिक नहीं है। कंपनी नागरिक नहीं होती, नागरिकता नहीं होती कंपनी की। नागरिक कौन होता है? हम और आप होते हैं नागरिक।
मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, नाइन्थ नंबर, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ नंबर, कितने मिनिमम नंबर हैं कंपनी में, जो सार्वजनिक कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनियां होती हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं अंशों की संख्या के आधार पर। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम किस पर निर्धारित होता है, शेयर के बेस पे, अंशों की संख्या के बेस पे उतने मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है निजी कंपनी में, प्राइवेट, प्राइवेट में कहा गया है, प्राइवेट में कहा गया है न्यूनतम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7, सॉरी 200, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं और इसमें पब्लिक में न्यूनतम 7। अगला है कंपनी की समाप्ति है, विंडिंग अप ऑफ कंपनी, विंडिंग अप ऑफ कंपनी, लास्ट में कंपनी की समाप्ति कहा गया है। जिस प्रकार कंपनी का उद्भव, कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, नियम कानून से होती है, ठीक उसी प्रकार कंपनी का जो समापन होता है नियम कानून प्रावधानों के अनुसार होता है। इस वीडियो को आप लिख लेंगे, आगे की वीडियो में बहुत सारे टॉपिक धमाकेदार आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंट बताने जा रहे हैं। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर इसे हिंदी में कहते हैं। आपको समझाएंगे, इस अपने व्हाइट बोर्ड पर हम लिखेंगे, आपको समझना है अच्छे से, तो आप अपनी कॉपी में हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंट लिख लेंगे। एक एक हेडिंग होती है आपकी, हम पहले लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अगला है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को हिंदी में कहते हैं निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक कंपनी। फर्स्ट टॉपिक अपना क्या कहता है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले होता है नंबर ऑफ मेंबर, पहला नंबर ऑफ बेसिस, यहाँ लिख लीजिएगा अगर आप लिखना होगा, केवल समझिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखाएंगे, लंबा चौड़ा लिखाने से याद नहीं होता है। बेसिस में आपको लिखना है पहला नंबर्स ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में जो नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं 2, कितने होते हैं 2। प्राइवेट कंपनी में कहा है 2 कौन से होते हैं, 2 होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम कितने नंबर होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो होते हैं 200। कितने होते हैं,
टू हंड्रेड मैक्सिमम। मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम बेसिस ऑफ शेयर। मतलब कि समझना है, इनमें न्यूनतम कितने होते हैं? 2, अधिकतम 200। इनमें न्यूनतम कितने होते हैं? 7। मैक्सिमम बेसिस ऑफ शेयर, अंशों की संख्या के आधार पर। जब आप शेयर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो कॉलम दिया रहता है, एक कंपनी है 10 रुपये वाले 10,000 शेयर को, एक कंपनी है 100 रुपये वाले 1,00,000 शेयर को। तो इसमें अंशों की संख्या के आधार पर इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे आप? नो लिमिट, इसकी अपनी कोई एक लिमिट नहीं है। ये आपका पहला टॉपिक समाप्त होता है। नंबर से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, पेपर अगर आपका कहीं पर कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे में एमसीक्यू होगा, तो ये सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। आगे आपको बताते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर। नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ डायरेक्टर मतलब संचालकों की संख्या। कहा गया है प्राइवेट कंपनी के लिए टू डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? 2 डायरेक्टर होते हैं। और पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? एटलीस्ट 3। प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? 2, और कम से कम 2 होते हैं, कम से कम 3 होते हैं पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट। मतलब कम से कम 2, अधिक से अधिक वो कम से कम 2, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। बात आगे बढ़ाते हैं, अपने कार्य को हम आगे करते हैं। थर्ड नंबर क्या होगा अपना? थर्ड नंबर अपना होगा इनवाइटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब फॉर शेयर। पब्लिक को सब्सक्राइब मतलब होता है क्या? चैनल सब्सक्राइब नहीं करना। चैनल का मतलब होता है सदस्य, जो सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो क्या है? सब्सक्राइब का मतलब होता है कौन लोग सदस्य बन सकते हैं। कह रहा है प्राइवेट कंपनी के लिए, अ प्राइवेट कंपनी इज, प्राइवेट कंपनी के लिए कह रहा है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, समझिए। जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट के कंपनी का शेयर जो होता है वो पब्लिक नहीं परचेज कर सकती, समझिए। प्राइवेट कंपनी का मतलब किसी एक व्यक्ति की कंपनी माना जाए, समझिएगा। प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होता है पब्लिक परचेज नहीं करती है, पब्लिक को इनवाइट नहीं कराया जाता है, पब्लिक को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। नो इनवाइटेशन टू पब्लिक का जनता द्वारा नहीं खरीदा जाता, जनता के लिए नहीं दिया जाता। और जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक के नाम से ही है, ठीक है,
पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। पब्लिक को क्या किया जाता है, इनवाइट का मतलब पब्लिक कोई भी ले सकता है शेयर। फोर्थ नंबर आपको बताना चाहते हैं, फोर्थ नंबर ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, कहा गया है शेयर ऑफ द शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी नॉट ट्रांसफरेबल। जब पब्लिक में इशू नहीं किया जाता तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट फॉर ट्रांसफर लिबिटी। पब्लिक को जब इशू नहीं किया जाता तो पब्लिक कैसे ट्रांसफर करेगी, जैसे हम पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का शेयर जो होता है उसको हस्तांतरण नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन पब्लिक का जो शेयर होता है वो ट्रांसफर मतलब होता है जिसे कहते हैं एक से दूसरे को दे दिया जा सकता है, ठीक है। अगला है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, पांचवा नंबर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कहते हैं न्यूनतम अभिदान कितने होने चाहिए, न्यूनतम अभिदान, ठीक है। न्यूनतम अभिदान कितने होने चाहिए आप समझिएगा, क्या लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब ए प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी में कोई ले नहीं सकता शेयर, किसी को शेयर जब दिया नहीं जाता जनता के लिए पब्लिक के लिए नहीं होता तो इसके लिए नॉट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान की कोई सीमा नहीं है इसके लिए। न्यूनतम अभिदान का मतलब कम से कम कितने लोग शेयर को खरीदें, जब पब्लिक के लिए है ये नहीं है तो नो नॉट फॉर मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम अभिदान। अब यहां पर आपको ध्यान देना है मिनिमम सब्सक्रिप्शन में आपको आगे ध्यान देना है, यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं हो पाता, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जब तक नहीं हो पाता तब तक कंपनी क्या नहीं कर सकती शेयर को अलॉटमेंट। शेयर वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, शेयर एप्लीकेशन होता है, शेयर अलॉटमेंट होता है, जब कंपनी शेयर को इशू करती है उसके पास उसके अपनी एक लिमिट होती है, उसके अंदर खरीदने वाले आएंगे तभी कंपनी शेयर का पैसा अलॉट करेगी, शेयर अलॉट करेगी पैसा लेकर के। तो इसके लिए मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, इसके लिए लिमिट होती है, इसका मतलब आगे लिखेंगे इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है प्रविवरण, पत्रिका, पब्लिक के बीच में कौन इशू करता है, जिसको पब्लिक से कोई लेना देना हो। प्राइवेट वाली कंपनी जब किसी एक व्यक्ति की कंपनी है तो आपको क्या लिखना है, नॉट फॉर पब्लिश प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण। प्रविवरण का मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर को इशू करती है, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं पत्रिका जो मिलती है, तो कंपनी पब्लिक जब किसी व्यक्ति को अपनी खुद की कंपनी है उसके उससे पब्लिक से शेयर से रिलेटेड कोई मतलब नहीं रखना है, पैसे से रिलेटेड कोई मतलब नहीं रखना है, प्रोडक्शन करके अपना सामान बेचना है, तो ये नहीं इशू करती है प्रॉस्पेक्टस।
कौन नहीं इशू करती, प्राइवेट कंपनी इशू करेगी। हमको कंपनी खोलना है, हमको अकेले चलाना है, पैसा वैसा हमारे पास है पूरा, तो हम पब्लिक से पैसा मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। तो हम काहे प्रॉस्पेक्टस इशू करेंगे, अपना प्रब्यूरन इशू करेंगे? और जिसको ज़रूरत है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी इशू करेगी, सीधी सी बात है। पब्लिक कंपनी हैज टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस, इशू करती है अ प्रॉस्पेक्टस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक मैंने लिखा। नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2, एटलीस्ट कम से कम 2 होने चाहिए, इसमें कम से कम पब्लिक में 3 होने चाहिए। अगला है शेयर, पब्लिक को नहीं इनवाइट किया जाता, यहाँ पर पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। यहाँ पर शेयर का ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, यहाँ पर शेयर का ट्रांसफ़र किया जाता है। यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनता के लिए नहीं होता। यहाँ पर मिनिमम जब तक नहीं बिकेगा तब तक कंपनी शेयर का अलॉटमेंट नहीं करेगी। उसके बाद इशू प्रॉस्पेक्टस, दूसरे ज़रूरतें नहीं है पैसा लेने की, शेयर जब इशू नहीं हो रहा है प्रॉस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी नहीं इशू करती है। उसके बाद यहाँ पर पब्लिक कंपनी इशू करने का काम करती है, क्योंकि जनता से पैसा लेना है, जनता को बताना पड़ेगा हम कंपनी में क्या करेंगे, कंपनी की स्थिति क्या होगी। आगे अभी बता रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है, आपको ध्यान देना है आगे क्या होता है, आगे देखते चलिए। आगे लिखना है बेसिस में राइट शेयर, सातवां नंबर है ना, राइट शेयर। राइट शेयर को हिंदी में कहते हैं अधिकार अंश, समझ रहे हैं? प्राइवेट कंपनी अधिकार अंश, राइट शेयर नॉट रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी राइट शेयर नॉट रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी अधिकार अंश नहीं इशू करती, उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कौन सी कंपनी इशू करती है? पब्लिक कंपनी इशू कर सकती है। कहा गया है पब्लिक कंपनी इशू करती है। किसको इशू करती है? अच्छा, पेपर में पूछ ले राइट शेयर क्या है। मेरे भैया, राइट शेयर का मतलब होता है हिंदी में अधिकार अंश। कंपनी में जो इम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी में जो वर्कर होते हैं, कंपनी में टेक्निकल नॉलेज वाले मैनेजर्स होते हैं, कंपनी उनको अपने यहाँ बनाए रखने के लिए लालच देती है, अधिकार देती है कि अपना अंश खरीद लो या अपने रिश्तेदार को खरीदवा दो सस्ते दाम पे। इससे कंपनी की पूंजी भी बढ़ जाती है और कंपनी के पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर वो बने भी रहते हैं। इसे बोलते हैं राइट शेयर। एट्थ नंबर आपको ध्यान देना है, शेयर विथ डिस्प्रो पर नेट वोटिंग राइट। अरे लिखो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट। जो कंपनी में डायरेक्टर इशू किए जाते हैं, कंपनी में कोई योजना आती है, कंपनी में कोई योजना तैयार होती है, तो वहां पर वोटिंग का अधिकार होता है। अब आप समझिए, प्राइवेट कंपनी में जब शेयर होल्डर नहीं है तो वोटिंग कहां से होगी? क्या लिखेंगे? नॉट फॉर वोटिंग ना। और यहां पर क्या होती है वोटिंग? कोई डायरेक्टर इशू नियुक्त किया जा रहा है, वोटिंग। डेमोक्रेसी चलती है पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में तानाशाही चलती है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं नाइन्थ नंबर, इंडेक्स ऑफ मेंबर। ठीक है,
इंडेक्स ऑफ मेंबर कह रहा है इसमें, इंडेक्स ऑफ मेंबर कहा गया है। इंडेक्स ऑफ मेंबर में अ पब्लिक कंपनी हैविंग मोर देन 200 मेंबर मस्ट बी मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर, मतलब 200 पब्लिक कंपनी में 200 मेंबर इंडेक्स तैयार किया करते हैं और प्राइवेट कंपनी में नॉट रिक्वायर मेंटेन। कोई भी चीज कोई इंडेक्स तैयार करना है तो पब्लिक कंपनी में 200 मेंबर करेंगे, प्राइवेट में अकेले हैं तो अकेले करेंगे अपना। उसके बाद कोरम 10 नंबर, कोरम, कोरम का मतलब क्या होता है? कहा गया है फॉर मीटिंग अ प्राइवेट कंपनी कोरम फॉर ओनली मेंबर यूजलेस प्रोवाइडेड अदरवाइज आर्टिकल्स। देखो भैया हमें कोनो कोरम नहीं तैयार होगा, किसी से मीटिंग नहीं होगी, इनमें जो कोरम बनेगा इसमें क्या होगा, इनमें मीटिंग होगी तब कोरम बनेगा। कोरम का मतलब कोई निर्णय लेना है, कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है, तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन, कोरम का मतलब होता है जैसे प्रस्ताव पारित किया जाता है ना, जैसे आपके गांव में प्रधान होंगे तो प्रधान के अलावा 13 सदस्य होते हैं, 13 सदस्य में 7-8 लोग का जरूरी होता है, बहुमत होना जरूरी है, समझ रहे हैं। जैसे कोई भी कानून पास कराया जाता है संसद में या विधानसभा में तो वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का मत होना जरूरी है, जिसे बोलते हैं कोरम पूरा नहीं किया जाता, इसमें कोरम पूरा किया जाता है, मीटिंग कराई जाती है कोरम कंप्लीट किया जाता है। मैनेजरियल रिमुनरेशन, देयर नो लिमिट प्राइवेट कंपनीज, आप सुने होंगे प्राइवेट कंपनी में कोनो लिमिट नहीं है, नो लिमिट मैनेजर की लिमिट, और पब्लिक कंपनी में लिमिट है। ओवरऑल मैनेजरियल रिमुनरेशन कैश पब्लिक कंपनी कैन नॉट नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। रिमुनरेशन इतना अपनी कॉपी में पहले लिखने का काम करेंगे, उसके बाद ठीक है 11% से ज़्यादा नेट प्रॉफिट के नहीं होनी चाहिए, इसे आप लिख लें। जय हिंद, नमस्कार।